मेंगलवा में नवनिर्मित डाकघर भवन का हुआ लोकार्पण। फाइव ब्रोस कुंदन ग्रुप ने 35 लाख की लागत से बनाया आधुनिक डाकघर भवन। साइला उपखंड क्षेत्र के मेगलवा कस्बे में भामाशाह संघवी मोहन देवी सांवल चंद बालगोता परिवार की ओर से 35 लाख की लागत से बने आधुनिक डाकघर भवन का फीता काटकर लोकार्पण रविवार को समारोह पूर्वक आईजी अनूप नाथ महाराज के सान्निध्य में हुआ। कार्यक्रम साइला तहसीलदार कौशल्या जांगिड के मुख्य अतिथि तथा उप सरपंच मोहित राज पुरोहित की अध्यक्षता में हुआ। बतौर विशिष्ट अतिथि के नाते डाक सहायक अधीक्षक रमेश जांगिड, भामाशाह पारसमल जैन उपस्थित थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डाक सहायक अधीक्षक रमेश जांगिड ने कहा कि नए भवन के लोकार्पण से पोस्ट ऑफिस कार्मिक को तो सहूलियतें मिलेगी ही, साथ ही उपभोक्ताओं को अधिक सुविधाएं सहजता व सरलता से मिल सकेंगी। वहीं आईजी अनूप नाथ महाराज ने कहा कि अच्छा इंसान वही है जो दूसरों के सुख और दुख को समझे। लोगों की भलाई से सराबोर कार्य करते रहने से जो पुण्य मिलता है वह लाखों रुपये दान देने पर भी नहीं मिल पाता। वहीं कहा कि जीवों पर दया करो और पेड़ पौधों की रक्षा करो, जीवन का एक सार यह भी होना चाहिए। वह कहा कि अच्छे काम करने से इंसान को पहचान मिलती है। इस दौरान तहसीलदार कौशल्या जांगिड ने कहा कि भारतीय संस्कृति जो 16 संस्कार देती है उसमें देव ऋण, पितृ ऋण, तो उस ऋणों के तहत हम अपनी जरूरतें पूरी करते हैं। हम समाज के लिए सोचते हैं। जिस मिट्टी में हम जन्मे हैं, जिसने हमें बड़ा किया है, हमने देखी है समस्या को। भामाशाह को ऐसे पुण्य कार्य करने के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। उन्होंने कहा कि भामाशाह अगर ऐसे कार्य करते हैं तो प्रशासन हमेशा साथ खड़ा है। वहीं कार्यक्रम के अंत में भामाशाह पारसमल ने सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया व उन्होंने कहा कि जैन समाज हमेशा ऐसे नेक कार्य करने के लिए तैयार है। व उन्होंने कहा कि अगर मेगलवा में सरकार की ओर से हॉस्पिटल के लिए जमीन आवंटन की जाती है तो मैं हॉस्पिटल बनाकर गांव और विभाग को सुपुर्द कर दूंगा, जिस पर ग्रामीणों ने उनका धन्यवाद ज्ञापित किया। भामाशाह का किया बहुमान। मेगलवा में नवनिर्मित पोस्ट ऑफिस भवन के लोकार्पण कार्यक्रम में भामाशाह परिवार का डाक विभाग जालोर, ग्राम पंचायत मेगलवा और ग्रामीणों के द्वारा साफा और माल्यार्पण से बहुमान किया गया। इस अवसर पर लालचंद पारसमल, रतनचंद, सुरेश कुमार, चंपालाल भंडारी, जयंती लाल, लालनाथ स्वामी, पीर सिंह, मीठालाल जैन, ओखाराम माली, बगाराम दर्जी, कांतिलाल डामराणी, पोस्टमैन अबू खान, बाबराराम प्रजापत, रसूल खान, चंद्राराम, भैराराम परिहार, पूराराम डांगी सहित सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित थे। भारतीय संस्कृति, हमारी सनातन संस्कृति जो हमें 16 संस्कार देती है, जो ऋण देती है, देव ऋण, पितृ ऋण, तो उस ऋणों के तहत जब हम अपनी जरूरतें पूरी करते हैं और हम समाज के लिए सोचते हैं, अपने लोगों के लिए सोचते हैं, जिस मिट्टी में हम जन्मे हैं, जिसने हमें बड़ा किया है और हमने देखी है समस्याएं, और उन समस्याओं के बाद आप आगे बढ़े हैं क्योंकि आपके अंदर कौशल था। माँ सरस्वती का आशीर्वाद है और सरस्वती के बाद आप पे लक्ष्मी की कृपा होती है, हम देखते हैं। इसलिए मैं माँ शारदे को याद करना चाहूंगी कि या पुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ वस्त्राव्रता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्माशना, या ब्रह्मच्युत शंकर प्रभृति भीर देवी सदा वंदिता, सामा पातु सरस्वती भगवती निशेष चढ़िया पहा। तो माँ शारदे की कृपा से, आपके इस पावन धरा से और हम समाज से निकल करके, और आपने जो सार्वजनिक कार्य के लिए जो योगदान दिया है पारसमल जी, इसे हमारा समाज, हमारा प्रशासन और हमारा राष्ट्र कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि राष्ट्रभक्ति, मातृभक्ति यही है कि हम अपनों के लिए कुछ कर रहे हैं। वो कुछ भी नहीं है कि आप फोटो लगा के नारे लगा रहे हैं, उससे राष्ट्रभक्ति नहीं दिख रही है। हम क्या योगदान दे रहे हैं, हम योगदान अपने राष्ट्र के लिए क्या दे रहे हैं। आपको कोई झंडे लगाने की जरूरत नहीं है, जैसे हम नारे लगा रहे हैं, झंडे लगा रहे हैं, रैलियां निकाल रहे हैं, दैट्स नॉट राष्ट्रभक्ति। राष्ट्रभक्ति ये है कि हर व्यक्ति अपना काम ईमानदारी से कर रहा है, अपने कर्तव्य से कर रहा है, और अपने को जो कर्तव्य मिला है उसको पूरा करने के बाद अगर हम अपना काम 100% ईमानदारी से करते हैं तो राष्ट्रभक्ति है। मैं तहसीलदार सेवा के अधिकारी हूँ, तो अगर मुझे जो राजस्व जो के जो कार्य मिले हैं, जो प्रशासनिक जो कार्य मिले हैं, जो न्यायिक जो कार्य मिले हैं, अगर मैं उनको ईमानदारी से कर रही हूँ, मेरी वजह से अगर अपने अपने लोगों का और जिन लोगों के लिए मुझे इस कुर्सी पर बिठाया गया अपना कार्य कर रही हूँ, तो वो राष्ट्रभक्ति है। पारसमल जी क्या कर रहे हैं कि व्यापार में, बिजनेस में अपना योगदान दे रहे हैं, क्योंकि उससे हमें इनकम टैक्स मिलता है और सब लोगों का सहयोग मिल रहा है। उसके बाद आप जो कर रहे हैं CSR के तहत आप लोगों को मिलता है, तो ये चीजें बहुत ही शानदार और वैभवपूर्ण है। और मैं आपको एक बताना चाहती हूँ कि ये जो आपका जो जैन समाज है, तो हमारी सनातन संस्कृति
संस्कृति में ये रहता है कि हमेशा से हम व्यापार वर्ग में आगे रहे हैं, व्यापार वर्ग में आगे रहे, उसके बाद दान में। तो महाराणा प्रताप हमारे यहाँ पे, तो भामाशाहों को कोई नहीं भूल सकता, जो उनके संकट काल में जब उनको चांदी की मुद्राएं दी थी, आपको याद होगा। तो पारस में जो फाइब्रोस ग्रुप और जो भी हमारे जो व्यापारी वर्ग हैं या जो भी लोग हैं जो सक्षम हैं, तो इन लोगों के लिए आप काम कर रहे हैं। और उसके बाद एक व्यक्तिगत अनुभव है कि जब हम कुछ लोगों के लिए करते हैं तो उसकी जो आत्मिक शांति और सुकून होता है, जो आपके चेहरे का जो नूर बढ़ता है, उसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप इसी तरह के कार्यक्रम करें। और हम लोग जो बैठे हैं, तो हम सभी एक ही जगह के लोग हैं। समाज क्या है? हमारा मानव समाज है, हम भारतीय हैं। तो समाज कुछ नहीं है, हम सब एक हैं। तो हम लोग, हमारे भाई कुछ आगे बढ़े हुए हैं, तो अगर अपनी मिट्टी के लिए काम कर रहे हैं, तो आप लोग कृपया ताली बजाएं, उन्हें कम से कम मोटिवेट तो करें कि वो लोग हमें कर रहे हैं। क्योंकि ऐसी बात नहीं है कि लोगों के पास पैसे नहीं, घड़े लोगों के पास पैसे, सबके पास बहुत पैसे होते हैं, लेकिन कितने लोग ये माता रखते हैं कि हम ये कर सकते हैं। तो सार्वजनिक कार्यक्रमों में और सार्वजनिक जो हमारी जो संस्थाएं हैं, जैसे कि पोस्ट ऑफिस हो गया, तो उससे अपने को कितनी सुविधाएं मिलेगी। और अब्बू खान जी जिन्होंने आपको प्रेरणा दी, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर मैं एक पंक्ति में आपको कहना चाहती हूँ हमारे इस जैन ग्रुप को, कि अगर कोई, मैं खुश हूँ कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मेरी वजह से कोई खुश है बहुत बड़ी बात है। और आपकी वजह से हमारा ये समाज और हमारी संस्कृति खुश हुई है, और आपके लिए बहुत ही गौरवान्वित महसूस करते हैं हम। थैंक यू सो मच। कहने में इच्छक नहीं, मुझे प्रशासन का साथ नहीं मिलता तो लोग फिर बैक डाउन कर जाते हैं, बैक हो जाते हैं वो। तो मैं जो भी मंच पे तहसीलदार साहब है और बाकी पंचायत भी समस्त बैठी हुई है, हर चीज सार्वजनिक चीज बनाने के लोग बहुत है, लोगों की कोई कमी नहीं है। सिर्फ आपका मोटिवेशन और उनको साथ देना, ताकि उनको खुद को कोई परेशानी नहीं आए। मैंने कई बार देखा है कि पैसा लगाने के बावजूद भी उनको पीछे पीछे घूमना पड़ता है, उनको प्रॉपर साथ नहीं मिलता, तो उसके बाद दूसरे लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते। तो मैं खास प्रशासन, जो भी अपने जालौर का प्रशासन है और मेन ग्राम के जो ग्राम पंचायत है, उनसे थोड़ा सा मैं बोलूँगा कि बहुत लोग हैं काम करने वाले, बहुत लोगों के मन में है कि कुछ न कुछ इस मातृभूमि में, जहाँ से हम लोग, हमारी पैदाइश हुई है, जहाँ हमारे दादा दादी माता पिता, यहाँ से उनकी जन्मस्थली है। मैडम मुझे एक मैं बात बता दो आपको, कि जितने लोग हैं ये सब अभी अपने देसी भाषा बोलेंगे दिशावर शिफ्ट हो गए हैं, मतलब यहाँ आके इनकी भावना के अनुसार ये कर रहे हैं। ये ना है या दो पैसे ना लगाए, इनको कोई कहने वाला नहीं है, लेकिन इनकी अपनी इतनी अच्छी भावना है कि जहाँ मेरे माता पिता, मेरे दादा दादी आज 200 साल से हम लोग यहाँ रह रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा फर्ज बनता है कि यहाँ के समस्त ग्रामवासियों के लिए हम कोई भी काम, कोई भी सेवा का काम कर सके, ये हम अपना अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं। तो मेरा खास निवेदन है, मैं तो, हम लोग तो पूरे इंडिया में, वैसे मैं जीतो का डायरेक्टर हूँ, जैन समाज का एक बहुत ही बड़ी संगठन है, तो हम 40 लोग मिलके चलाते हैं पूरे जीतो में। तो मेरा बहुत पूरे इंडिया में भ्रमण होता है, काफी बड़े बड़े इंडस्ट्रीज ले, IAS से, ब्यूरोक्रेट से, पॉलिटिकल मंच पे काफी लोगों से मैं जुड़ा हुआ। अभी पूना में हमने एक बहुत बड़ा कॉन्क्लेव किया है जैन समाज ने, मोदी जी के हाथ से वर्चुअल उद्घाटन हुआ है। अमित शाह जी थे, चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र थे, एक्चुअली मेरे यहाँ फंक्शन था इसलिए हम लोग नहीं थे अवेलेबल, मेरे को खुद को जाना था एज ए डायरेक्टर, मेरा खुद का जाना मेरा जरूरी था वहां, लेकिन घर पे फंक्शन होने की वजह से नहीं गए। पूरे देश में जैन समाज संख्या में कम है, लेकिन एक बात मैं बहुत बड़ी नहीं कहता हूँ अपने जैन समाज के लिए, लेकिन खर्च करने के मामले, समाज के खर्च करने, मानवता और जीव दया पे खर्च करने वाला ऐसा समाज पूरे इंडिया में कोई नहीं मिलेगा, कोई नहीं मिलेगा। मतलब कहीं भी पूरे इंडिया में आप देख लो, जब भी कोविड के टाइम में मैं अगर जैन समाज की अगर उपलब्धियां गिनवा दूं, कोई ऐसा शहर नहीं, चेन्नई, बेंगलोर, हुबली, कोयम्बतूर, दिल्ली, बॉम्बे, विजयपुर, ऐसे सैकड़ों शहर हैं
जहां कोविड के होने के बावजूद भी लोगों ने बहुत बड़ा चंदा इकट्ठा किया, और जिन जिन को भी जरूरत थी, सरकार हर जगह नहीं पहुंच सकती, लेकिन इन संस्थाओं ने, सब लोगों ने मिलकर जो काम किया है, शायद उसका कोई बयान नहीं कर सकते। मैं कई बार देखता हूं कि मीडिया में जैन समाज थोड़ा कम होता है, अगर हम सिख समाज की बात करें तो उनकी मीडिया कवरेज ज्यादा होती है, तो लगता है कि वो बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन मेरा मानना है कि सिख समाज से भी हम 100 times ज्यादा काम करते हैं, लेकिन थोड़ा मीडिया कवरेज की वजह से देश में पता नहीं लगता है। यही भावना सब लोग अपने ग्रामा से बैठे हुए जैन समाज भी और अपने लिए, हम लोग अपने भाइयों के समान रहते हैं यहाँ गांव में, बहुत बड़ी बात है कि इतनी अच्छी एकता है, एक ही प्लेटफॉर्म में रहते हैं, सारे समाज सारे जातियां मिलकर सब काम करती है। ये जो भी पोस्ट ऑफिस का निर्माण है 2-3 साल से, मैं दो लोगों की बात जरूर कहूंगा, मिठा लाल जी सुमेर जी और मिठा लाल जी छगन जी, इन्होंने 2-3 बार बोला मैंने कोई इश्यू हो तो मेरे को अंदर मत डालना, इश्यू नहीं तो मेरे को बता देना, फिर बात हुई और एक आज अच्छा भवन तैयार हो गया है। मैं खास पोस्ट ऑफिस के जो हेड है उनको बोलना चाहूंगा कि भवन तो बना दिया लेकिन इसका उपयोग पूरा होना चाहिए, तभी इसकी वर्थ है। पैसा लगा दिया, कई जगह मैंने देखा है कि हॉस्पिटल बन जाती है, स्कूल बन जाता है, लेकिन उसका वर्थ नहीं हो पाता। तो लोग जो दान देता है ना, उनको अच्छा नहीं लगता कि भाई उनकी भावना हट होती है। तो आप लोगों से खास निवेदन है मेरा कि इसका मैक्सिमम उपयोग करें, लोगों के काम आए, जिस मकसद के लिए हमने इसको बनाया है वो काम आए। एक बार पुनः मैं आप सब लोगों का यहाँ आने के लिए धन्यवाद करूंगा, और मंगलवार जैन संघ मंगलवार के हर कार्य में हमेशा, ऐसा नहीं कि कुछ परिवार, सारा गांव, एक एक आदमी यहाँ सक्षम है, सक्षम के अलावा अपनी भावना रखता है कि मेरे 2 पैसे यहाँ इस मातृभूमि में लगे। तो एक बार फिर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आगे भी इस टाइप के कोई भी काम हो उस सब कार्यों में हम लोग सब आगे रहेंगे। पुनः आप सब लोग आभार व्यक्त करता हूं कि आप सब लोग यहाँ आए और यहाँ गांव की शोभा बढ़ाई। बहुत बहुत धन्यवाद।